थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? इस सरप्राइज के लिए। एक्सक्यूज मी सर, सर ये कार्ड नहीं चल रहा, आप प्लीज कैश पे कर दें। नहीं वो आप एक दफा फिर ट्राई करो। देखो अमूमन मैं अपने पास कैश रखता हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैंने आज तुम्हारे साथ खाने पे आना है तो कैश लाना ही भूल गया हूँ। खैर, और अगर कार्ड दोबारा नहीं चला तो फिर क्या होगा? वो मैं अपने मैनेजर को फोन करके कह दूंगा, वो कैश ला के दे देगा। नो सर, ये स्टिल नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, आप चले मैं आता हूँ। मैनेजर को फोन करता हूँ। भी नहीं उठाया, अब उसको क्या पता कि मैं फोन करने वाला हूं। क्या होगा? मैं आता हूं एक मिनट। वो आपने जो मेरा बिल है वो मेरा मैनेजर आके आपको दे देगा, सो आई होप यू डोंट माइंड। नो सर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वो मेरा कार्ड किसी वजह से डिक्लाइन हो रहा है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कैश मेरे पास था नहीं। दैट्स ऑलराइट सर, आप ये मेरे कार्ड में एडजस्ट करो। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट सर, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, बट ऑन वन कंडीशन, कल कॉफी आप मेरे साथ पिएंगे? श्योर। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरे सारे नंबर हैं जी, और कॉफी अब जरूरी हो गया क्योंकि वैसे ही मैं आपका कर्जदार हो गया, कर्ज उतार रहा। प्लीज ऐसे मत कहें, बट आई विल कॉल यू टुमारो सर। ओके, नाइस मीट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चले बिल हो गया, आ जा, आई टेल यू, कम। आपने बताया नहीं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? भाई वो लड़का नहीं था जिसके ऊपर मेरी वजह से पानी गिर गया था, क्या नाम था उसका? हाँ जोहेर, उसने बिल अदा किया। आपको किसी गैर की मदद लेने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है आप ऐसे किसी अजनबी पे भरोसा मत किया करें। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है, भरोसा तो उसने मुझ पे किया है। देखो ना, मेरा बिल अदा किया है तो देखो, मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया ना, लिहाजा मैंने उसे कल घर पे कॉफी पे इनवाइट कर लिया। क्या आपने उसे घर पे बुला लिया? हाँ हाँ, उसने मेरी मदद की है ना, कॉफी तो एक बहाना है। तुम ऐसा करना, अच्छा सा डिनर बना लेना।